हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कम्युनिटीज नॉलेज बूस्टर। होप कि आप अच्छी नींद में सो रहे होंगे। आज है 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर की सुबह, और 8 नवंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है मोदी जी के द्वारा एक ब्लैक मनी के ऊपर, जो कि एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो हर एक इंसान हिंदुस्तान में रहता है उसको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इट डजेंट मैटर कि वो कितना गरीब है या कितना अमीर है या कौन नहीं है, ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। आइए पहले ये जान लेते कि क्या है मतलब पूरा मामला क्या है। कि अगर आपके पास जितने भी 500 और 1000 के नोट्स हैं पुराने, वो लीगली अनएक्सेप्टेबल कर दिए गए हैं 8 नवंबर 2016 मध्य रात्रि के बाद। मतलब आपको ये सारे के सारे नोट्स बैंक्स में या पोस्ट ऑफिसेस में जमा करवाने ही करवाने हैं, या इनको एक्सचेंज करवाना ही करवाना है। लेकिन इसकी एक्सचेंज जो है उसकी भी एक लिमिट तय कर दी गई है। आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे लेकिन आपकी एक्सचेंज लिमिट है वो कम होगी, इसके लिए आपको ये सारा का सारा पैसा डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा क्यों किया गया है। किया इसीलिए गया है कि जो रिकॉर्ड है, जो ट्रांसपेरेंसी है, चाहिए काला धन या सफ़ेद धन या ओवर कैश फ्लो इन आवर इकोनमी, उसके लिए ये एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि लॉन्गर टर्म पे काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी ऐसी इनकन्वीनियंसेस आएंगी हमें सबको, लेकिन देखते हैं कि कैसे कैसे केसेस होंगे और हमें उसे कैसे टैकल करना है। तो क्या है कि जब आपको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो वो डिपॉजिट करवाने की एक लिमिट तय कर दी गई है। चूँकि मैंने पहला केस लिया है, इस पहले केस में आपको सबसे पहले कि आपको अपने पैसे जो जमा करवाने हैं वो 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक ही जमा करवाने हैं हर एक बैंक में, और जितने भी आपके पास 500,000 के नोट हैं आपको जमा करवाने ही करवाने हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन उसकी एक विंडो दी गई है, वो भी हम केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, आपके पास 5 लाख है या 10 लाख है या 30 लाख है 500 या 1000 के नोट पे, और आपको वो सारा का सारा जमा करवाना है। आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और सभी लोग यही सोचेंगे, तो उसमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू कीप काम बिकॉज यू हैव 50 डेज, ओके, 50 डेज टू एक्सचेंज और डिपॉजिट योर 500 और 1000 ओल्ड नोट्स, ठीक है। और आपकी इसी दुविधा को कम करने के लिए 72 घंटे की सुविधा दी गई है, चूँकि 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आपको सरकारी अस्पताल, पेट्रोल स्टेशन, डीजल या सीएनजी स्टेशन, रेलवे टिकट, एयर टिकट या कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या मिल्क बूथ में जो 500 और 1000 के नोट हैं वो चलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी कोई आपकी अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई किसी की कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है और वो 3 महीने की दवाई लेते थे, अब वो क्या कर सकते हैं, अब या 1 महीने की दवाई लेते थे, अब वो क्या कर सकते हैं, अपने 3 महीने की दवाई ये 8 से 11 नवंबर तक अपने कुछ पैसे खर्चने के लिए इकट्ठी ले सकते हैं। उसे क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो 1000 रुपये के रूप में, जैसे आपके पास 40 या 50 हज़ार, वो खर्च तो होगा, लेकिन वो जो आपके डिपॉजिट करवाने में आपको जो लंबी लाइनें या जो आपको दुविधा आने वाली थी वो उसका थोड़ा थोड़ा सा हल निकल आएगा, लेकिन उसका ज़्यादा हल नहीं निकलेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पैसा इसमें ज़्यादा खर्च सकते हैं, अपनी ऐसी प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। अगर आप सोच रहे थे कि अगले महीने आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो आपको रेलवे टिकट तब ही बुक करवानी थी तत्काल में, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जो कैश है वो अभी खर्च कीजिए और उससे उस कैश से आप एयर टिकट या रेलवे टिकट बुक करवाइए, ताकि आपके 500 या 1000 के नोट है जो वो काम में आ सके, ठीक है। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। मतलब स्टेप तो ये एक ब्लैक मनी को वाइट मनी में ही कन्वर्ट करने के लिए, मतलब वो कन्वर्ट तो नहीं होगी लेकिन उसका जो सर्कुलेशन है वो ट्रांसपेरेंट है, वो रिकॉर्ड्स में तो आएगा, ये पता तो लगेगा कि मतलब है कितना फ्लो। तो उसमें आप सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना एफर्ट्स देने पड़ेंगे, हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेप लिया गया है ये उनके खिलाफ लिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। अगर आप टैक्स पे ही हैं, मैं भी टैक्स पे ही हूँ, तो हमें इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें लॉन्गर टर्म में 30 दिसंबर के बाद हमें सुविधाएं काफ़ी मिल जाएंगी वापस, जो आज की तारीख में नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है।
ठीक है। अब ये है कि दूसरा केस ये है कि अब एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड नोट्स इन यूनिफॉर्म फॉर एवरी वन इन द कंट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़, इट विल क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ स्मॉल नोट्स। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक ही जमा करवाना है सारा पैसा, और आपके पास 50 दिन हैं, आपके पास 500 और 1000 के सारे नोट जमा करवाने हैं, लेकिन आपकी जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़, ठीक है, 125 करोड़ की आबादी और 50 दिन, जिसमें होगा ये कि आपका अपना सारा पैसा 3 लाख या 5 लाख आप एक ही बार में जमा नहीं करवाएंगे जाके, और ऐसा हो भी नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास कुछ पैसा ऐसा निकल के आएगा जो कि आपने कहीं कहीं रखा हो, कहीं किसी के पास है, आपको किसी से लेना है, वो एकदम से आ गया, आपको वो 50 दिन में हो सकता है 3 बार, हो सकता है 2 बार, 4 बार बैंक में जाना पड़े। ऐसे भी होंगे जिनको रोज़ जाना पड़ता है, जैसे ज्वेलर्स हो गए या होटल वाले हो गए, जिनको रोज़ बैंक में जाना पड़ता है अपना डिपॉजिट करवाने के लिए, उनको अगर मिला के देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर 50 करोड़ लोग 125 करोड़ में से 50 करोड़ लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 2 या 3 बार एवरेज जाना ही पड़ेगा। अगर 2 बार जाते हैं तो 100 करोड़ बनता है, 50 दिन में 100 करोड़ लोग बैंक में आएंगे, जिससे होगा क्या, बड़ी लंबी लंबी लाइन लग जाएगी, ठीक है। वो लंबी लाइनें के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि जो बाकी बचेंगे, जो बाकी आपके पास जैसे 100 या 50 या 20 के नोट बचे है ना, वो थोड़े होंगे, और जो ज़्यादा नोट होंगे वो आपको निकाल के रखने पड़ेंगे बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। अब आपको सामान लेने जाना है, एक दूध का पैकेट, ठीक है, आपको सब्जी लेने जाना है, सब्जी लेने जाएंगे तो रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब उधार कर नहीं सकते, उधार कितने दिन तक चलेगा, उधार करने के लिए जो आपका उधार जिसे आप कर रहे हैं उसको पैसा दूसरे को देना है, ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है ये गड़बड़ा जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने हैं। कैसे, आपको 1000, 500 के नोट्स अलग करके रखने हैं जो कि आपने किए भी होंगे क्योंकि आपको डिपॉजिट करवाना है। आपको बाकी जो 50, 20, 10, 5, 2 रुपये, 1 रुपये जितने भी, जहाँ भी सिक्के, जहाँ भी कॉइन्स, जहाँ भी रुपए, जहाँ भी नोट पड़े हुए हैं, आपको सभी को कलेक्ट करने हैं। आपको अपने पिगी बैंक्स को तोड़ देना है, आपको अपनी दादी, नानी, मामा, चाची, बहन, भाई, जितने भी आपके आसपास जितने भी लोकर्स में आपने छुपा के जो पैसे रखे हैं वो आपको निकालने हैं, उनका उनके बंडल तैयार करने हैं। बंडल तैयार करके आपको टोटल करना है, टोटल करके आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल मनी कितनी हुई। टोटल मनी देख के आपको एक बजट बनाना है, उस बजट में आपको ये तय करना है कि ये पैसा आपको वहीं खर्चना है जाके आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती और ज़रूरत पड़ने पे आपको ये पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी दूसरी चीज़, ठीक है। एज आई हैव सेड, मेक योर बजट अकॉर्डिंगली, देयर इज़ अ नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ दीज नोट्स, ओके। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब इसे क्या होगा कि शॉर्टेज ऑफ दीज नोट्स विल क्रिएट अ बिग क्यू एवरीवेयर, प्रिपेयर यू फॉर दैट। एज आई हैव सेड कि जो आप जमा करवाने चाहेंगे, जो बाकी के जो पैसे हैं, वो तो आपको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा होगा क्योंकि उसमें क्या है कि एक प्रोविज़न तो है आपको डिपॉजिट करवाना, ठीक है, दूसरी प्रोविज़न है आपको एक्सचेंज करवाना, ठीक है। डिपॉजिट में तो आपको सारा का सारा पैसा ही डिपॉजिट करवा देना है और आपकी जो अकाउंट में उतने पैसे आ जाएंगे और आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या है कि आपको डेली डेली के लिए थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आपको एक 4000 की ट्रांजेक्शन, 4000 की जो एक्सचेंज है वो दी गई है। उसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसमें क्या है, 500 and 1000 rupees नोट विल नॉट बी लीगल टेंडर फ्रॉम मिडनाइट फ्रॉम 10th November टू 24th November। द लिमिट ऑफ दीज एक्सचेंजेस इन अ बैंक विल बी ऑफ 4000 rupees एंड फ्रॉम 25 November टू 30th December द लिमिट विल बी इंक्रीज। मतलब कहने का कि 10 नवंबर से 24 नवंबर तक आप 4000 रुपये, सिर्फ मात्र 4000 रुपये ही एक्सचेंज करवा पाएंगे। मतलब अपने पुराने 500 और पुराने 1000 रुपये आप लेके जाएंगे और नए 500 और नए 1000 रुपये आप लेके आएंगे, पर डे आपको वो मिलेंगे सिर्फ 4000 रुपये। पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास अपने अपने अकाउंट्स हैं उनको भेज सकते हैं, उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो 4000 अगर करेंगे, अगर आपके 4 मेम्बर है तो 16000 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप सारा पैसा जो आप डिपॉजिट करवाने वाले थे वो सारा पैसा डिपॉजिट मत करवाइए। आपके पास घर पे 3 लाख पड़ा था, आप 2.5 लाख जमा करवाइए, 50000 रखिए आप अपना एक्सचेंज करने को, उसे जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब आप डिपॉजिट भी करवाएंगे और साथ के साथ एक्सचेंज भी करवाएंगे। डिपॉजिट करवाने से
मतलब कहने का कि डिपॉजिट करवाने से आपको 10,000 आप विड्रॉ कर पाएंगे, समझे आप? नहीं समझे कि मतलब आपने सारा पैसा डिपॉजिट करवाया, अब आपको विड्रॉ करना है, तो उसकी जो लिमिट है कुछ दिनों के लिए वो 10,000 रुपये ही है, ठीक है? एक तरफ आप डिपॉजिट करवा के 10,000 निकाल रहे हैं, एक तरफ आप एक्सचेंज भी करवा रहे हैं, तो दोनों तरफ, एक तरफ 4,000, एक तरफ 10,000, और जो हफ्ते की लिमिट है वो है 20,000, ठीक है? तो इसमें क्या है, यू हैव टू डिपॉजिट योर ऑल द मनी इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, आइदर देर विल बी अ लॉन्ग क्यू, ठीक है? आफ्टर डिपॉजिटिंग योर मनी इन योर अकाउंट यू कैन ड्रॉ इट वेन यू नीड इट, बट दिस विल बी लिमिटेड सप्लाई फॉर फ्यू नोट्स इन फर्स्ट फ्यू डेज, लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज़ पर डे, 20,000 रुपीज़ पर वीक हैज़ बीन सेट अप, दिस लिमिट विल बी इंक्रीज इन द कमिंग डेज, ठीक है? एज आई हैव सेड, बिकॉज लिमिट हैज़ बीन सेट अप, सो यू हैव टू प्रिपेयर यू सेल्फ फॉर दैट, यू हैव टू टेक अ स्ट्रेटेजिक एज वेल एज अ स्मार्ट मूव, यू कैन मेक अ स्ट्रेटेजी इन योर फैमिली, इफ यू हैव फोर अकाउंट्स इन सेम बैंक और इन डिफरेंट बैंक्स, यू कैन सेग्रीगेट योर पॉसिबिलिटीज इन अ डिफरेंट वेज, आई मीन योर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज, यू हैव टू इंक्रीज योर पॉकेट्स, ओके? मतलब क्या है कि चार चार लोग बैंक में गए और चारों लोग बैंक से एक्सचेंज करवा के आए, चार लोग बैंक में डिपॉजिट करवाने गए और चार लोग डिपॉजिट करवा के चार लोग विड्रॉ करके, ठीक है? तो चौथा कैसे बनता है, वैन देर विल बी लिमिटेड सप्लाई फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, हाउ यू कैन एबल टू असेस योर अदर थिंग्स। अब ऐसा है कि यार अगर आप चार जने हैं या एक जने ही हैं, क्योंकि आपको बिकॉज डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया सेज वी आर 65% 25 years टू 65 years, इन एज ऑफ 25 years टू 65 years एज, सो वट we are supposed to do in that case, because we are living in a nuclear family or we are living alone far away from our houses, so in that case what you can do, जो पी जी में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कहीं भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, आप पेटीएम या ई वैलेट्स जितने भी हैं, मोबिक्विक या आई पॉकेट जितने भी हैं, जो भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं इनका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो उसको यूज़ कीजिए, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको एक बार असेस कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये आने वाले समय में हम सभी को अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी। आइदर वी आर इन एज ऑफ 50, 60, 20, or 30, यू हैव टू यूज़ इट वंस, एट दैट इंस्टेंस यू विल कम टू नो हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ यूजफुल एंड हाउ ईजी इट इज़, ठीक है? तो उसके बाद एक पांचवा केस बनता है कि अगर आप जितना भी डिपॉजिट आपके पास, मान लीजिए आप ज्वेलर थे, ठीक है, या फिर आप बहुत बड़े व्यापारी, या फिर आप टीचर थे, आप ट्यूशंस देते थे, आपके पास 15-20 लाख रुपया, ठीक है, आप बड़े बिजी थे, मतलब शादी थी घर पे, या फिर किसी की मतलब नेवर माइंड प्लीज, या फिर घर में कोई दिक्कत आ जाती है या कोई चला जाता है घर से, तो उस वक्त आप पैसे नहीं डिपॉजिट करवा पाए बैंक पे, क्योंकि आप बिजी थे, तो आप क्या है उसके मैं क्या है, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यू स्टिल हैव अ विंडो, यू कैन एक्सचेंज योर ओल्ड नोट्स एट अ डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ RBI आफ्टर सबमिटिंग अ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड शोइंग योर ID कार्ड अप टू 31 मार्च 2017, एंड इन दिस ID कार्ड यू कैन मैंशन, यू कैन शो योर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एनी वन, ओके? सो दिस इज होल सिनेरियो एंड दीज आर ऑल द केसेस वट वी कैन डिस्कस एंड वट वी कैन डू, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ नया पता लगा होगा। अगर आपको कुछ नया लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, अगर आप किसी के लिए आज अच्छा करते हैं ये कल आपके साथ जरूर अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, भगवान आपका टाइम अच्छा दे।